बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चिली चिकन एंड ब्लैक पेपर बनाएंगे, बहुत मज़े का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखें, मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है, इसके इस तरह से पीसेस काट लिए, फाइन से बिल्कुल पतले पतले इस तरह से काट के रख लिए हैं मैंने। हाफ अनियन लिए जिसके मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। हाफ मैंने कैप्सिकम लिए, उसको भी इसी तरह काट लिया है। और ब्लैक पेपर जो है मैंने इसको क्रश करके रखा है मोटा मोटा। 8 से 10 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए, फाइन चॉप कर लिए हैं। 3 मैंने रेड चिली लिए और 1 मैंने ग्रीन चिली लिए। सोया सॉस जाएगा इसके अंदर, ओइस्टर सॉस जाएगा इसके अंदर। तो चलिए हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, पिसी हुई मत डालिएगा वरना कलर ख़राब हो जाएगा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 1 अंडा मैं इसके अंदर जाएगा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे पूरा ले लें, चाहे आप एग वाइट ले लें। और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर के ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इसको बहुत क्विक सी रेसिपी है, इतनी झटपट से तैयार हो जाती है इसके। आप सारी चीज़ें करके रख लें और इसको जब आपको सर्व करना हो आप फटाफट बना लें, 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाती है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसको इस तरह से अलग कर लें ताकि जो है पीसेस जुड़ जाते हैं तो वो अलग हो जाएंगे। इतने पतले कटे हुए हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, कोई इसमें इतना टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और कमेंट भी उसके बाद ही करें। ये देखें, हमारी चिकन इस तरह से फ्राई कर लेंगे हम। इसको आप बॉयल राइस से खाएं, एग फ्राइड राइस से खाएं। हमने सारी चिकन फ्राई कर ली है। अब हम इसको, इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर रही हूँ। आप देखिएगा कितनी झटपट से तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इतनी टेस्टी होती है ये। सब्जियाँ भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत क्रंची सी रखनी है इसके अंदर। ये मैं गार्लिक ऐड कर रही हूँ जो मैंने फाइन चॉप करके रखा था। इसको हल्का सौते करेंगे। इस टाइप की डिशेस में कोई भी चीज ओवर कुक नहीं होती है, वरना सारी सब्जियां ये होती हैं उसका कलर भी खराब हो जाता है और सॉगी सी भी हो जाती हैं सब्जियां। तो इसमें जो है क्रंची सी सब्जियां वही अच्छी लगती हैं। देखिए हो गया, हल्का सा सौते किया है मैंने इसको। अब मैं इसके अंदर अनियन ऐड कर रही हूँ, कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। हरी मिर्चें जो मैंने, 1 हरी मिर्च जो काटी थी मैंने, ये रेड चिली ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। जल्दी जल्दी हम इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस डाला है और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड किया है। नमक थोड़ा इसलिए कम डालेंगे ताकि सोया सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है और इसमें हल्की सी मिठास भी होती है, तो इसमें शुगर भी नहीं ऐड करेंगे। देखिए चिकन मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ये क्रश चिली ब्लैक पेपर मैं ऐड करूँगी और नमक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये कॉर्नफ्लोर जो है
इसको ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं है इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने ग्रेवी वाला नहीं बनाना, बिल्कुल ड्राई बनाना है। तो बस हल्का सा इसका इस तरह से रखेंगे सब्जियाँ। वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया इसके अंदर। देखिए हमारा चिकन चिली ब्लैक पेपर तैयार है हमारा बिल्कुल। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, राइस के साथ सर्व करें, प्लेन राइस के साथ, आप चाहें तो गार्लिक फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ, जिसके साथ चाहें आप इसको सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।